हेलो एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट फिफ्थ करेंगे जो कि मैथमेटिक्स की है और क्लास 10th के लिए है। तो पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली कि ये वर्कशीट पूरे 10 मार्क्स की है और इसमें सभी 10 क्वेश्चंस हैं जिनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो सेक्शन 1 एसरेशन एंड रीजन। तो एसरेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस में जैसा कि आप जानते हैं 3 क्वेश्चंस हैं हमारे और एक एसरेशन होता है और एक रीजन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज करेक्ट, या फिर बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अब ए इज ट्रू बट आर इज ट्रूली फॉल्स, अब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये सारे हमारे 4 ऑप्शन हैं पहले 3 क्वेश्चंस के। तो पहला है ए, एसरेशन दे रखी है इन द गिवन फिगर, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, इक्वल का साइन है। तो एंगल ए डी बी कौन सा है, ये वाला, ये 90 डिग्री का है हमारा। ए डी बी किसकी इक्वल है, एंगल ए सी ए बी के, सी ए बी तो जो इक्वल है हमें बता रखा है ए हमारा 90 डिग्री है और ए डी जो है ये वाला जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पर जो है, तो इसमें ये सही है पर यहाँ पे आर ट्रू एक्सप्लेन नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं बताई गई है। तो आगे इन द फिगर, अब फिगर में एक्स एम अपॉन एम वाई इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एन जेड, सो रीजन क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेट एक्स वाई। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेट एक्स वाई, तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। एक्स एम यानी एक्स एम जो है और अपॉन में क्या दे रखा है, एम वाई इज इक्वल टू एक्स एन, एक्स एन कौन सा है, एक्स एन हमारा ये है और एन जेड, एन जेड, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एसरेशन है वो गलत है पर रीजन सही है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है एक्स वाई का, ये बिल्कुल सही बात बताई गई है। अब थर्ड है एसरेशन, ट्रायंगल एम ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल एस ओ बी बाय एस ए एस से। तो आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं, तो एम ए पी एंड सी ओ बी में कैसे दो ट्रायंगल बनाएंगे आप, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये हमारा मैप है और ये हमारा क्या है दूसरा वाला, ये हमारा है कोब, तो ऐसे ऐसे सिमिलर है। तो इसमें क्या क्या होगा, एक एंगल और उसके बीच में दो साइड्स, यानी दो साइड्स और उसके बीच में एक एंगल। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ और बी पी, तो यहाँ पे इस तरह से आपको तीनों एंगल जो है हमारे उनको क्या बताया गया, उनको हमारे इक्वल बताया गया है। तो ऐसे एस में ये होता है हमारा, नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रीजन बिल्कुल गलत है। अब सेक्शन डी बी करते हैं। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला इन फिगर, एक फिगर है आर एक्स पैरेलल टू वाई जेड, आर एक्स पैरेलल है वाई जेड के, तो फाइंड करनी है वैल्यू एम की। तो एम की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो 4.28 सेंटीमीटर आएगी। तो आगे इफ ट्रायंगल सी एम इक्वल है एस ओ बी के और ए 39 है बी 97 है तो सी क्या होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप सब लगा सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 39 डिग्री प्लस 97 डिग्री प्लस सी क्या होगा, ये किसके इक्वल होंगे, ये हमारे इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करके 44 डिग्री, तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, बी पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू डी, देन पी क्यू पैरेलल टू सी डी इज द स्टेटमेंट फॉर कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब इफ आर ट्रायंगल एल ए जी जो है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, अब एल जी 6 है
WY4 है तो हमें बताना है WXY का, तो WXY का हमारा क्या होगा, इसका हमारा होगा 36। तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि a ladder is placed against a wall on the ground। अब एक लैडर को एक वॉल के सहारे रखा है। द एंगल फॉर्म बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज कौन सा एंगल है, तो इस तरह की आपकी लैडर हो सकती है, इस तरह से आपकी लैडर वॉल से जो है वो वॉल के सहारे खड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री से कम का है, तो क्या होगा, एक्यूट। अब आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। फॉर एफ जी एच वेयर एफ एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी, तो ये हमारा क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये हमारी, ये जो है ये है हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एच स्क्वायर होते हैं। तो हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, ये वाला होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, एफ जी। अब परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, तो स्ट्रेट क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट है हमारा यहाँ पे जी एच। और अब उन्होंने पूछा है बेस, तो बेस ये है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस वे में है, यहाँ पे कन्वर्स लिखा है इसका, पर वो भी सही होता है। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू 90 डिग्री बिल्कुल सही है। एफ एच इज बिगर देन एफ जी, यस। क्यों बिगर है अभी एफ जी से, क्योंकि ये जो है बेस होता है हमारा। अब आगे बता रखा है दैट एफ जी इज अ हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही है, पर एफ जी इज अ हाइपोटेन्यूस ये गलत है, एफ एच कभी भी हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकता, ये हमारा बेस है क्योंकि ये लेटा हुआ स्ट्रक्चर है। अब द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 56 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब द रेशियो ऑफ द एरियाज, अब द रेशियो है उनके एरियाज का ट्राइंगल्स का वो क्या है, तो इसके लिए आप सबसे पहले उनकी साइड्स निकालेंगे, तो साइड्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनकी साइड सेम है तो आप उनका एरिया कर सकते हैं। तो आप जब उनका एरिया करेंगे तो आपके पास उनका एरिया के बाद रेशियो आएगा 8:5, तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।